Good morning, all of you. Today we discuss coordinate symmetry exercise 7.2, question number 6. If 1, 2, 4y, x6, and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. आप एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दो. और एक ऑर्डर में पहला कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, फिर सी है और डी है. कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 4y, कोऑर्डिनेट ऑफ सी x और 6, और कोऑर्डिनेट ऑफ डी 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. फाइंड x एंड y. आपका इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. क्या करेंगे इसमें बताओ. आप इसमें कैसे निकालोगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे जल्दी बोलो. हाँ बोलो, क्या करोगे. तो तुम सोच रहे होंगे कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी लगाओगे और डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी लगाओगे, वो उससे बनेगा लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा. तो उससे भी आसान है, जिससे आपको इजी हो, वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हम एक प्रॉपर्टी क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं. इसका जो डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल एसी, अदर डायगोनल बीडी. तो एसी और बीडी पैरेललोग्राम का इक्वल नहीं होगा, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करता है. अब यहाँ नाम अगर ओ दे दिए तो ओए इक्वल टू ओसी होगा और ओबी इक्वल टू ओबी. हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. हम मान लिए इस ओ का कोऑर्डिनेट ओ इज द मीन पॉइंट ऑफ ए सी. अगर ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है और ओ का कोऑर्डिनेट यदि आप चूंकि एक्स और वाई दिया हुआ ए भी अगर मान लेते हो, है ना, यही आपका, तो आप कह सकते हो O is the mean point of AC and BD. O is the mean point of AC and BD by mean point formula say by मीड पॉइंट में
आप मानते थे इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू और ये मीट पॉइंट है। अगर यहाँ एक्स ए मान लो, अगर ए इक्वल टू निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू और हम लोग इसको एक्स मान के किए थे, बी इक्वल टू एक्स टू प्लस वाई टू बाय टू। अब ए का वैल्यू एक्स वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन बाय टू और बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू और वाई वन। बी क्या लिखेंगे यहां पर वाई वन और प्लस वाई टू। y1 आपका 6 है और y2 2 है तो 6 प्लस 2 बाय 2 सेम होगा। ऑल्सो मीन पॉइंट ऑफ BD, BD का मीन पॉइंट क्या होगा तो यहां पर a कर लो ना, जब BD का लेंगे या BD देख रहे हो ना, अब किसी को मान लो इसको x1 y1 और इसको यदि x2 y2 मानते हैं तो पहले होगा 4 plus 3 y2 4 plus 3 y2 और b कर लो y plus 5 y2। तो फ्रॉम ये ए है और ये बी है, इसको बना दो वन इसको बना दो टू। एक ही पॉइंट पर इस ओ पर ए का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है एक्स वन प्लस वन बाय टू, दूसरा आ रहा है फोर प्लस थ्री बाय टू। क्या होगा दोनों इक्वल होगा, इसी का कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर, एक निकाले ए से दूसरा निकाले बी डी से। फ्रॉम वन एंड टू से आप लिख सकते हो एक्स वन प्लस ऐसे यहां पर लिख दो फ्रॉम वन एंड टू से एक्स वन एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री बाय टू और दूसरा आएगा आपका वाई का भी दो में इक्वल होगा तो सिक्स प्लस थ्री यहां पर लिए थे सिक्स प्लस के टू था ना सिक्स प्लस टू है सिक्स प्लस इक्वल टू वाई प्लस आई बाय टू। मतलब ए को भी इक्वल कर दिए और बी को भी इक्वल कर दिए क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इससे एक्स फाइंड हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन से हम y फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल। x1 x plus 1 is equal to 7, x is equal to 6 और सेकेंड यहाँ पर y plus 5 is equal to 8, तो y is equal to 8 minus 5 2। यही आपका वैल्यू आया 6 और 3 आया। वैल्यू ऑफ x and y is 6 and 3। क्या कि अगर डिस्टेंस लगाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और उससे आसान है ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। Find the coordinate of a point A where
AB is a diameter of a circle whose center 2 or minus A or B is 1 or 4. हवा चल रही है उधर, तो सेवन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर, सेंटर इज 2 एंड बी इज, आप एक सर्किल बना दो और ये इसका डायमीटर है, ए ओ बी, ए ओ बी या ए बी इज ए डायमीटर, जो कोऑर्डिनेट दिया है ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए जिसको आप एक्स वन और वाई वन मान, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1 और 4, जिसको मान लो एक्स टू वाई टू, और ओ इज द सेंटर हुज कोऑर्डिनेट इज गिवेन, हुज सेंटर इज 2 एंड माइनस 3, जिसको हम एक्स और वाई मान, तो ओ इज द मीड पॉइंट ऑफ ए बी बाय मीड पॉइंट फॉर्मूला से, बाय मीड पॉइंट फॉर्मूला से आप एक्स वन इज कर दो, एक्स एक्स इज कर दो, एक्स वन ने यहां पर एक्स माने हैं, एक्स इज कर दो एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, y is equal to y1 plus y2 by 2, ये फॉर्मूला पढ़े हो। अब x के प्लेस पर क्या वैल्यू लिखेंगे कोई बताओ, 200, x1 के प्लेस पर ये दोनों निकालना है तो यहां पर x1 ही रहने दिए, और x2 के प्लेस पर 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको क्रॉस करेंगे जिससे x1 फाइंड होगा। सेकेंड y के प्लेस पर क्या है मीन पॉइंट में, -3 बाय 1, y1 फाइंड करना है, y1 एंड y2 इज 4 बाय, इसको क्रॉस करके x1 फाइंड कर लेंगे, और सेकेंड दिस टर्म आफ्टर क्रॉसिंग फाइंड y1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू
2 into 2, 4. X1 is equal to 3. X1 is equal to 3. इसको क्रॉस करेंगे y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 y1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 तो y1 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 y1 इज इक्वल टू माइनस 10 y1 is equal to minus 10. तो आपसे पूछ रहा था कि find the coordinate of the point A. The coordinate of point A क्या हो गया? 3 और minus 10. ये मान लीजिए का coordinate. Last में लिख देगी the coordinate of point A 3 or minus 2. Your answer. बोलिए किसी को प्रॉब्लम है इसमें? चलिए सब क्वेश्चन इजी है ना? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो है ना, समझना चाहिए भी. हाँ बोलो. ठीक है बता देते हैं. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिवन रीजन फॉर योर आंसर. कर आए हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा और अगर होगा तो क्यों होगा. हाँ उसमें आप जो निकाले उसका चारों साइड क्या क्या आया, चारों ट्रिशंकुलर्स निकाले हमने लेंथ में, यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. नहीं तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो डिस्टेंस खोलना जरूरी है और वहां पर डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा. जैसे आपका मैक्सिमम वैल्यू गया है 5 तक, हम ऐसे ही ले लेंगे. देखते हैं इसमें आपका कोऑर्डिनेट, देखते हैं पहले कार्टेशियन प्लेन में देख करते हैं और -1 -2 -3 -4 -5. फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -3 and 5 x-axis -3 y-axis. सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 और 1 x3 और y1. थर्ड कोऑर्डिनेट 0 और 3 x0 और y3. और फोर्थ कोऑर्डिनेट -1 and 4. मान लो ये a है, ये आपका b आया, ये c आया, ओके. और फोर्थ कोऑर्डिनेट -1
और माइनस टू। पहले आप ए को बी से ज्वाइन करो, बी को सी से ज्वाइन करो और सी को डी से ज्वाइन करो। क्या ये क्वाड्रेटर फॉर्म हुआ? बस नहीं, इट इज नॉट क्वाड्रेटर बिकॉज इट इज नॉट कन्वेक्स लाइन। कन्वेक्स करके पढ़े हो ना, तो जब कन्वेक्स होता है तब ना सब पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रेटर फॉर्म होता है। यहाँ पर एक ओपन हो गया ये, है ना, ये अटैच नहीं हो गया, क्वाड्रेटर फॉर्म नहीं। पहला, दूसरा, आप अगर इसका डायगोनल तो है ही नहीं, यही पे दिखाना है। डिस्टेंस में निकालोगे तो डिस्टेंस इसका क्या आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप का आ जा रहा होगा ना। चलिए और दो तो आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर वन और थ्री का। चलिए वो क्या क्वेश्चन नंबर सेवन। चलिए और इधर हो गया, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, एक्सरसाइज 7.2। इफ ए एंड बी आर माइनस टू एंड टू और माइनस फोर है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, पी लाइ ऑन द लाइन सीक्वेंस ए बी, पी लाइ ऑन द लाइन सीक्वेंस ए बी। एक लाइन सेगमेंट एज ए पॉइंट, और इसका नाम दे दिए ए और बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2 -2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 और -4, और दिया हुआ है इसमें AB इक्वल टू 3/7 AB, यानी टोटल उसका लेंथ है 7, तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये और ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 यहाँ पर नाम दे दो P। इस AP को आप लिख सकते हो कर लो 1 2 3, ये रेशियो 3 है इसका, और यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यानी आप इस एपी को लिख सकते हो 3y और 3 + 4 7 ab, यानी आपका रेशियो एपी इज टू पीबी का आ गया 3:4, यानी ये पॉइंट हो गया आपका m और ये पॉइंट हो गया n। आपको एन यहां पर रेशियो वाला फाइंड कर लिया, क्लियर, एम एन फाइंड हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड x1 y1 और दिस पॉइंट इज x2 और y2 बाय। अब आपको फाइंड करना है ए बी दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट को x और y1। किस फॉर्मूला का हम यहां यूज करेंगे? आप इक्वल डिस्टेंस यहां पर है ही नहीं, यहां 3 और यहां 4 है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला से आप लिख सकते हो x इक्वल टू mx2 + mx1 /
यहाँ और इजी बन जाएगा अगर m इज टू n को मान लेते हैं इसको k और इसको मान लेते हैं 1 k इज टू 1 यानी जहाँ m है उसको k पुट कर देंगे और जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देंगे तो x हमको फाइन पहले करना है नहीं k क्यों देंगे इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी 3 और 4 है इसलिए देने की जरूरत नहीं m के प्लेस पर 3 इनटू x2 प्लस n 4 इनटू x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 4 क्या गया 3 प्लस 4 3 टू 5 और माइनस 8 तो 3 और माइनस 8 क्या होगा माइनस 5 बाय 7 ये एक्स आया माइनस 5 बाय 7 वाई निकालते हैं एम 3 इंटू वाई टू क्या है माइनस 4 प्लस एन 4 इंटू वाई 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन 3 प्लस 4 क्या आएगा माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 20 बाय 7 ये आपका क्या आया वाई आया आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा आंसर बोलो यहां पर माइनस यहाँ पर 2 होगा 3 टू 6 है ना यहाँ 8 है तो माइनस 2 होगा माइनस 2 बाय 7 और माइनस 20 बाय 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस 2 बाय 7 और ये एक्स वन और वाई निकाले हम माइनस 20 बाय 7 इट इज योर एंसर ये समझ में आया देख लो ए नहीं दिया हुआ रहेगा यही ना तो अगर एम और एन नहीं रहेगा तो फिर पी आपका दे देगा तो पी का वैल्यू आपका दे देगा हाँ तो के इज टू 1 कर देंगे जब पी का वैल्यू देगा तो एम और एन को के इज टू 1 मानेंगे तो डायरेक्ट आपका के का वैल्यू आएगा अगर मान लो के आ गया 2 बाय 3 तो के बाय 1 यानी के इज टू 1 रेशियो हो गया 2 इज टू 3 ऐसे डायरेक्ट एम और एन प्लान करके भी आप बना सकते हैं उससे भी बन सकता है या देख लो जो डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार और बता देते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू 3 बाय 7 ए पी ये ए पी है अगर ये 3 है और टोटल 7 है अगर ये 3 है तो 7 में 3 को माइनस करेंगे रेशियो आपका हो गया 3:4 इसीलिए हम एपी को लिख सकते हैं 3 बाय टोटल हो गया 3 प्लस 4 7 इससे मेरा एपी इज टू पीबी का रेशियो बन गया हम इसी से फाइंड किए ये आपका रेशियो भी दिया हुआ है एपी बाय एबी का
इसको हम ले आए ए बी इज टू बी बी, ये रेशियो समझ में आ गया 3:4। अब आपका एक्स टू वाई को दिया हुआ है -2 -2 और एक्स टू वाई को दिया हुआ है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द बाइसेक्शन फार्मूला एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। यहाँ पर वैल्यू हम एम एन और एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू पुट करके सॉल्व किए -2/7, और इसमें हम एम और एन सेम रहेगा, वाई वन और वाई टू का वैल्यू पुट कर दिए, उससे मेरा वाई आ गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -2/7 और -20/7, ठीक है।